आइए देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं वो सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नॉर्मली इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है, ये दिया हुआ है SN। यहां पर S सिग्निफाई करता है सब्स्टिट्यूशन और N सिग्निफाई करता है न्यूक्लियोफिलिक। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स हम कह सकते हैं कि ये या तो एनायन होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियोफाइल्स या तो एनायन होते हैं या कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कंटेनिंग लोन पेयर। तो अब न्यूक्लियोफाइल्स का हम कॉमन एग्जांपल्स ले सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स का, वो कौन कौन से होंगे। जैसे हम ले लें Cl माइनस, I माइनस या OH माइनस, OCH3 माइनस, CN माइनस एटसेट्रा। ये सभी जो एजेंट्स हैं ये कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में आप यहां देख रहे हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन सफिशियंसी है, तो ये जनरली उस साइट पर अटैक करते हैं जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो तरह का हो सकता है, एक है SN1 और दूसरा है SN2। ये SN1 और SN2 क्या सिग्निफाई करते हैं। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस नेचर का हो कि इसे हम यूनिमोलिकुलर कह सके, यूनिमोलिकुलर, या हम ये कहें कि ये जो रिएक्शन का ऑर्डर हो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन कौन से होते हैं जिसमें कि किसी एक स्पीसीज का ही कंसंट्रेशन डिसाइड करता है उसके रिएक्शन रेट को, या कोई या हम ये कह सकते हैं कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अगर केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो जिन जिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में या जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हैं, वो सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं SN1। यहीं पर SN2 रिएक्शंस वो हैं जो बाई मॉलिक्यूलर हो या सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो बाई मॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर कब होगा, जबकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स, कम से कम दो अलग अलग जो रिएक्टेंट्स हैं जो कि इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके कंसंट्रेशन अगर इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में तो उन तरह के रिएक्शंस को हम कहेंगे सेकेंड बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2। आइए जाने यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ये जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इस केस में जो रेट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो केवल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, या हम यहां लिख सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन है वो रेट को इफेक्ट नहीं करता है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होगा ये फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर, केवल सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगा किसको, रिएक्शन के रेट को। तो ये हो गया यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
इस केस में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो अगर हम देखें तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले होता क्या है कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसमें से ये ब्रोमाइड आयन बाहर निकलता है, ये ब्रोमीन बाहर निकलता है और ये जो फिशन होता है ये हम कह सकते हैं कि हेट्रोलिटिक फिशन से ये बाहर निकलता है। जब ये हेट्रोलिटिक फिशन से बाहर निकलेगा तो ये अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और ये ब्रोमाइड आयन बनाया। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन ले जाएगा तो इसके पास इस कार्बन के पास ये जो कार्बन है ये इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक केटायन में। इस केटायन को हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो ये एक कार्बोनियम आयन बनाया, कार्बोनियम आयन। ये जो स्टेप है जिसमें कि ये ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन बाहर निकला और बना क्या कार्बोनियम आयन, ये स्लो स्टेप है, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप। और हमें पता है कि जितने भी रिएक्शंस के जो स्लो स्टेप्स होते हैं वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स होते हैं। तो यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक ये जो सबस्ट्रेट है वो इन्वॉल्व है, इसीलिए इन तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, केवल सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर केवल एक यही सबस्ट्रेट है जो इस रिएक्शन को कैरी आउट कर रहा है, ये फर्स्ट स्टेप को, ये स्टेप वन जो है यार। तो यहाँ पर केवल इसका कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट करेगा क्योंकि यही स्लोएस्ट स्टेप है और स्लोएस्ट स्टेप क्या करता है, रेट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अब आइए देखें सेकंड स्टेप में, ये जो टर्शरी मिथाइल ये कार्बोनियम आयन बना हुआ है यहाँ, इसे इस केस में हम देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लेनर नेचर का होगा। अब ये तीनों जो CH3 ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स ये एक प्लेन में होंगे और अगर जैसे कि अगर हम कंसिडर कर लें कि ये एक प्लेन है जिसमें ये तीनों अरेंज्ड हैं इन कॉर्नर्स पे, तो अगर इस प्लेन में ये अरेंज्ड होंगे तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये हाइड्रोक्सिल आयन अटैक कर सकता है यहाँ ऊपर से भी या नीचे से भी, ये दोनों प्लेन्स में, तो आइदर साइड में ये अटैक कर सकता है इस प्लेन को छोड़ के, ये जो प्लेन है पेपर का इसे हम कह सकते हैं इसके ऊपर से भी अटैक हो सकता है या नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो स्टेप है जिसमें कि ये हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करता है इस कार्बोनियम आयन पे, ये फास्ट स्टेप है और फास्ट स्टेप हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होता। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है और ये इन्वॉल्व होकर क्या बना लिया, सीधा अटैक किया और इसने दे दिया फाइनल प्रोडक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये फाइनली ये प्रोडक्ट बना ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो काइनेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और यूनिमोलिकुलर भी है, क्योंकि स्टेप वन जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें केवल एक मॉलिक्यूल सब्सट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो कहलाते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1। SN1 रिएक्शंस फेवर किए जाते हैं बल्कि ग्रुप्स के द्वारा जो कि उस कार्बन एटम पे हो, जैसे कि यहाँ ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का केस हमने लिया, इसमें बल्कि ग्रुप्स थे जो इस कार्बन एटम पे थे, तो ये हुआ टर्शियरी, तो टर्शियरी सबसे ज्यादा फेवर किया जाएगा इस केस में SN1 रिएक्शन फॉलो करने के लिए। उसके बाद जो फेवर होगा वो होगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल वाले ये जो भी ग्रुप्स होंगे।
तो और ये क्यों ऐसा होता है, फेवर क्यों किया जाता है, जितने भी ये टर्शरी और सेकेंडरी जो बल्की ग्रुप्स हैं वो कार्बन पे अवेलेबल हों, तो उससे फायदा क्या होगा? उससे एकमात्र जो फायदा होता है वो ये है कि रिलीज जो होगा इस हेलोजन का वो ज्यादा आसान होगा बल्की ग्रुप्स के प्रेजेंस के कारण, और रिलीज जितना ज्यादा आसान होता जाएगा उतने तेजी से ये रिएक्शन होगा। तो जैसे जैसे ये कार्बन पे क्राउडिंग बढ़ती जाती है उससे इसका जो रिलीज है वो इजी होता जाता है, इसीलिए जितने भी टर्शरी होंगे वो ज्यादा फेवर किए जाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। SN2 रिएक्शंस वो रिएक्शन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिनमें जो रिएक्शन रेट है वो सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अब अगर सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो उन तरह के रिएक्शंस क्या होते हैं, बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन। यहाँ हम लिख सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों का कंसंट्रेशन है जो कि इफेक्ट करता है रिएक्शन के रेट को। तो इन तरह के रिएक्शंस सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और यहां पर ये जो रिएक्शन होगा वो बाई मॉलिकुलर होगा। या हम ये कह सकते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप होगा रिएक्शन का उसमें ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, सबस्ट्रेट भी और न्यूक्लियोफाइल भी, इसीलिए ये रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड। आइए देखें कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड कैसे ये SN2 मैकेनिज्म को या बाई मोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे फॉलो करता है, ये हम ले लें। HC यहाँ देख सकते हैं कि इसमें अगर इसकी हाइड्रोलिसिस अगर की जाए तो हाइड्रोलिसिस के केस में ये हाइड्रोक्सिल आयन है जो कि अटैक करेगा इस पे, इस मिथाइल क्लोराइड पे। यहां हम देख सकते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, तो ये जो बॉन्ड होगा वो हल्का सा शिफ्ट किया हुआ रहेगा इधर की तरफ, और यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो पोलैरिटी है ये डिसाइड करेगी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। और यहाँ एक और चीज डिसाइड हो जाएगी कि ये उधर ही अटैक करे, ठीक रिवर्स डायरेक्शन में अटैक करेगा जिधर की क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन अगर जैसे ये कागज का प्लेन ले लें और इसके ऊपर अगर ये तीनों अरेंज है, या इस और इस प्लेन के ऊपर अगर हम लें कि ये अरेंज होगा ये क्लोरीन एटम, तो अटैक जो होगा वो हमेशा इस प्लेन के नीचे से होगा, यहां से अटैक होगा। अब ये जबकि ये मिथाइल क्लोराइड पर अटैक किया हाइड्रोक्सिल आयन ने, तो सबसे पहले होता क्या है कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, और ये जो इंटरमीडिएट है इसमें हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के पांच बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये हो गया HOCHHCl। तो यहां हम देख सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म किया जिसमें कि फाइव बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, किसके, कार्बन के। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट लिविंग ट्रांजिशन स्टेट होगा, इसे हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
और ये जो स्टेप होगा जिसमें कि ये न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ मिथाइल क्लोराइड भी इन्वॉल्व है, ये स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का। तो यही यही स्टेप क्या हो जाएगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। अब यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये दोनों न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और उसके साथ ही साथ ये जो सबस्ट्रेट है वो भी इन्वॉल्व है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये जो हम रेट डिफाइन करते हैं इसमें रेट सबस्ट्रेट के भी कंसंट्रेशन डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जबकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट अब यहां बना ये तेजी से टूटेगा और टूट के होगा क्या, क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा और ये हाइड्रो अल्कोहल बन जाएगा। ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, प्लस क्लोराइड आयन। यहां हम देख सकते हैं कि ये जो और ये जो स्टेप होगा ये फास्ट होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना ये ज्यादा देर तक इस स्टेट में रहेगा नहीं कार्बन, और तेजी से क्लोराइड आयन बाहर निकालेगा और ये अपने स्टेबलाइज अल्कोहल वाले स्टेट में आ जाएगा। यहां हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो इस केस में अगर कार्बन एटम पर पहले से क्राउडिंग होगी तो वो फेवर नहीं किया जाएगा, इस केस में क्राउडिंग कार्बन पे फेवर नहीं होगी क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट बीच में बन रहा है। इस केस में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो ठीक रिवर्स होगा किससे, SN1 से। SN1 में सबसे मोर स्टेबलाइज स्ट्रक्चर था टर्शियरी और यहां सबसे स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर सबसे लेस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगा टर्शियरी। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इसलिए फेवर किया जाएगा क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट आसानी से इस केस में बन सकता है, ये जो फाइव बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है ट्रांजिशन स्टेट का ये आसानी से प्राइमरी केस में बनेगा, सेकेंडरी में थोड़ा टफ होगा, टर्शियरी में जहां पर क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी तो ये फाइव बॉन्ड वाले ट्रांजिशन स्टेट को बनने में ये हम कह सकते हैं कि क्राउडिंग के कारण ये बनना ज्यादा टफ होगा, इसलिए ये कम टर्शियरी वाले सबसे कम फेवर किए जाते हैं।